बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हम बेसिकली 3 से 4 सम करेंगे। बहुत छोटा लेक्चर होगा, जल्दी से खत्म भी हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये थोड़ा हम एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। लेवल 2 टाइप के सम है, बहुत बेसिक लेवल 2 जैसा लगेगा नहीं, लेकिन एक दो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो अभी आपके स्क्रीन पे आना शुरू हो गया होगा, तो वो है बेसिकली हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। तो आप बोलोगे सर हमें जो इन्फॉर्मेशन है, प्रिपेयर द ब्लैंक टेबल बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर द कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द डिफरेंट जॉब, जिसमें पहला एट्रीब्यूट दिया हुआ है डेजिग्नेशन, जिसमें 4 टाइप है, मैनेजर, क्लर्क, कैशियर, प्यून। उसके बाद है मैरिटेलियल स्टेटस, जिसमें मैरिड अनमैरिड की बात हो रही है, और लास्ट में जेंडर, मेल एंड फीमेल की बात हो रही है। तो बच्चों आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है वो हमें क्लियर हो गया, अभी आपको क्या करना है। तो बच्चों जितना दिया हुआ है उसको हमने कैसे अरेंज किया है, तो मैरिड अनमैरिड मैंने हमने यहां लिखा, उसके नीचे मैरिड में मेल फीमेल टोटल। ये ध्यान में रखना है बच्चों, जब बड़े लेवल 3 का सम होगा तब हम मान के चलेंगे कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे समझ लो अनमैरिड में है मेल फीमेल टोटल, कैंडिडेट में लिखेंगे मेल फीमेल टोटल। बच्चों इसके साथ आप बोलोगे सर ये समझ में हमें आ गया, तो जैसे ये समझ में आता है तो आप बोलोगे सर इसमें हमने डेजिग्नेशन में मैनेजर, क्लार्क, कैशियर, प्यून लिखा और टोटल कैंडिडेट लिख दिए। बच्चों अभी समझना ये मेल आखिर में कैसे यहां पे जो होगा वो कैसे लिखेंगे। तो सपोज यहां 10 है, यहां 90 है, मैरिड में मेल है 10, अनमैरिड में मेल है 10 और 90, तो टोटल मेल हो जाएंगे 100। आप बोलोगे सर टोटल जैसे ये समझ लो फीमेल 20 है, इसमें 30 है तो हो जाएगा 50। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 120 है, तो टोटल भी 150 होगा। कैसे 120 और 30। तो बच्चों ये छोटा सा पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक मैं दूसरा सम आपको दिखा रहा हूं सेम टाइप का, तो आपको देखने के लिए कुछ आपके स्क्रीन पर ऐसे कुछ दिख रहा है, प्रिपेयर द प्रॉपर टेबल शोइंग द डेटा। उन्होंने बोला हुआ है सेक, पहले बोला हुआ है कि मेल एंड फीमेल मतलब मेन, तो पहले बोला हुआ है जेंडर मैन एंड वुमन, कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय सुपरवाइजर, असिस्टेंट एंड क्लार्क, ईयर दिया हुआ है 2015 एंड 14 एंड 15। तो बच्चों आपको पहले ईयर यहाँ ऊपर लेना है, तो 14 में लिख देंगे 14 15। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, तो आपको मेल और फीमेल लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल करके, और यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख देंगे। तो बच्चों ये आपको खुद करके मुझे दिखाना है, आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों इसके बाद हम एक और दो छोटे छोटे सम लेते हैं, तो आपको अच्छी तरह वो सम कंप्लीट करना है, तो अभी वो सम स्टार्ट करते हैं। यहां तक बच्चों ये प्रॉपर लिख लीजिए, उसके बाद हम नया सम शुरू करेंगे। बच्चों अभी एक और सम स्टार्ट करते आगे, तो सम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, देयर वर 850 स्टूडेंट स्टडिंग इन अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ अ स्कूल। इसमें लिखा हुआ है आगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्टैंडर्ड 10th 11th 12th वेर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 8:5:4 द स्टैंडर्ड ऑफ 10 द नंबर ऑफ बॉयज इज 30% ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, इन द स्टैंडर्ड 11 नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, इन द 12 द नंबर ऑफ बॉयज इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, द प्रेजेंट अबव डेटा इन द टेबुलेशन फॉर्म। बच्चों अभी इस बार हम जो एट्रीब्यूट्स है वो मैंने बोर्ड पे लिखे नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको शांति से वो लिख लेना है। तो पहला जो एट्रीब्यूट है वो आपको लिखा जाएगा स्टैंडर्ड 10, 11, 12। दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो जेंडर बॉयज एंड गर्ल्स, एंड आगे लिखना है टाइटल। बच्चों पॉज करके पहले मैंने जो बोला वो लिख लो, टाइटल में क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे टेबल शोइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड एंड जेंडर। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट क्या करना है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हमें स्टार्टिंग जो करना है वो सब में इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड में लिख देते हैं कहां से, तो आप बोलोगे सर 10, 11, 12 और यहां पे एक टोटल की साइन आ जाएगी, तो यहां लिखा जाएगा टोटल। इसके बाद बच्चों जो ध्यान में रखना है उससे आगे जाना है, तो उसमें सबसे पहले दिया हुआ है कितने स्टूडेंट है, तो आपको बोला गया है कि वो 850 स्टूडेंट है। कितने बच्चों 850 तो उसमें बोला गया हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्टैंडर्ड 10, 11, 12 प्रपोजन दिया हुआ है, तो लिखते हैं सबसे पहले 8:5:4। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा यहाँ पे 8 तो 12
12 में 5 ऐड करोगे तो 17 ये टोटल हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं 10th की, 11th की और 12th की, इसमें कैसे होगा। तो आपका बोला जाएगा टोटल 850 बच्चे हैं, उसमें से 8/17। तो आप बोलोगे सर ये 8 लिया और ये 17, सेम वे 850 × 5/17, यहाँ पे 815 × 4/17। बच्चों कैलसी का यूज करके आप बोलोगे तो कितना होगा, तो हम बोलेंगे पहले 200, तो यहाँ लिखेंगे पहले 400, 250 एंड 200। सॉल्व किया तो यहाँ पे सेम वे लिखते जाएंगे 200, 250 एंड 400। तो सबसे पहले इतना पॉइंट होने के बाद वो उन्होंने क्या बोला हुआ है, तो आगे बोला हुआ है कि द स्टैंडर्ड द नंबर ऑफ बॉयज 30% ऑफ अ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो स्कूल के टोटल स्टूडेंट है, सबसे पहले 10th की बात करते हैं, 10th में लिखा हुआ है बॉयज जो है वो बोला गया है कि 850 है, उसका 30% यहाँ के बॉयज है। तो आप बोलोगे सर ये कट कर दोगे, 85 × 3 करोगे बच्चों तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 255 क्या होंगे बच्चों, तो बॉयज है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बॉयज में लिख दो 255, 400 में से 255 माइनस करोगे तो बच्चों कितना होगा, तो होगा 145। कितना होगा बच्चों 145, जिसके साथ आप बोल सकते हो कि आपका 10th का काम खत्म हुआ। उसके बाद बच्चों उन्होंने क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड 11 नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, इक्वल बोला गया है, तो बच्चों ये जो है 250 के इक्वल करेंगे तो 125 एंड 125। प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह करेंगे, 11th का बॉयज 250 × 1/2 एंड गर्ल्स 250 × 1/2, सॉल्व करेंगे तो 125 जो हमने लिख दिया। और लास्ट में बच्चों बोला गया है कि जो है बॉयज आर 3 times देन गर्ल्स। तो बच्चों यहाँ समझना है कि सबसे पहले बॉयज जो है वो गर्ल्स से 3 times है। तो आप बोलोगे सपोज सर गर्ल्स है, गर्ल्स x है, तो बॉयज आप बोलोगे सर होंगे 3x, और टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल हो जाएगा 4x। तो आप बोल सकते हो ऐसे कि सर हमें पता है बॉयज प्लस गर्ल्स होंगे टोटल आपके स्टूडेंट है 200। आप बोलोगे सर ये रहा, यहाँ 4x हो जाएगा 200, x इज इक्वल टू 400/4। तो आप बोलोगे सर 50, तो आप बोलोगे सर गर्ल्स कितनी होंगी, तो आप बोलोगे यहाँ पे गर्ल्स जो है वो 50 है और बॉयज जो होंगे वो 3x है। तो आप बोलोगे सर 3x मतलब 3 × 50, तो आप बोलोगे 150। तो यहाँ पे हो जाएगा 150, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ये गर्ल्स है तो गर्ल्स 50 है तो ये होगा 150। तो आप इसके साथ आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 530 और ये होगा 320। आप टैली करके देख सकते हो बच्चों, इसमें टैली करोगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। जितना प्रॉपर प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन करोगे वो बहुत जरूरी है बच्चों। ये बहुत आसान सम था, आपको टोटली क्लियर हो गया होगा बच्चों। अभी शांति से ये पॉज करके पूरा अच्छी तरह लिख लीजिए, उसके बाद हम नया सम स्टार्ट करेंगे बच्चों। अभी स्टार्ट करते हैं आगे एक सम जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, देयर आर 1000 बस एंड यूज फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन द अहमदाबाद सिटी, आउट ऑफ देम 350 यूज BRTS एंड रिमेनिंग एज अ AMTS। आगे पढ़ते, आउट ऑफ टोटल 400 एयर कंडीशनर बस 250 बस यूज एज अ BRTS, प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन सूटेबल टेबल। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, हियर इज अ टू एट्रीब्यूट्स आर गिवन। पहला जो एट्रीब्यूट्स है वो बच्चों आप बोलोगे सर इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का है, BRTS एंड AMTS, दूसरा आगे है AC एंड नॉन AC। तो बच्चों सबसे पहले लाइन में स्टार्ट करते हैं, देयर आर 1000 बस यूज फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हम लिखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में 1000 बस है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 बस। बच्चों इसके आगे हमें जाना है तो क्या इंफॉर्मेशन है, तो आपको बोला गया द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हाँ द 350 वेयर यूज एज अ BRTS। तो 350 जो है बच्चों वो BRTS के हिसाब से यूज होगी, तो बाकी जो बचेगी यहाँ पे कैसे आएगी, तो आप बोलोगे सर 1000 माइनस 350,
जो होगा 650 बच्चों। इसके बाद बोल रहे हैं कि आउट ऑफ, वो तो क्लियर हो गया, अभी रिमेनिंग बस आर AMTS आउट ऑफ टोटल 400 एयर कंडीशन। टोटल कितनी है बच्चों, तो आप एयर कंडीशन बोलोगे 400 है, उसमें से बोल रहे 250 बस आर यूज इन BRTS, तो ये 250 होगा, तो इसके बाद ये होगा 150, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो होगा 100 और ये आप करोगे तो 500 और टोटल मिलाओगे तो 600। तो बच्चों ये बहुत सिंपल तरीके से आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जिसमें बहुत इश्यू नहीं था, सिंपल पॉइंट था, कैलकुलेशन करना था। पॉज करो और बच्चों ये लिख लो अच्छी तरह, तो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सम दिया हुआ है, तो हम सम पहले पढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको बोला गया है कि टेबल को कंप्लीट करो, एट्रीब्यूट ए, एट्रीब्यूट बी और टोटल दिया हुआ है, सब डेटा 1, सब डेटा 2 और टोटल, सब डेटा 1 2 टोटल, सब डेटा 1 2 टोटल। 14 की बात करते हैं तो सब में यहाँ पे 300 दिया हुआ है और यहाँ पे 200, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस कितना होगा, तो 100। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो 200 है, यहाँ पे 100 है, तो टोटल मिलाओगे तो हो जाएगा 200। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ 200 है और यहाँ 100 है, तो ये हो जाएगा 100, 100 प्लस 100 तो हो जाएगा 200 और ये लिखा जाएगा 400। बच्चों ये एक्चुअली है क्या, आप बोलोगे सर ये कैसे क्या कर रहे हो आप, तो हमको वो क्लियर करना है बच्चों कि यहाँ पे जो भी डेटा होगा 200 प्लस 100 वो फाइनली हमारा जो होगा, बच्चों हमने गलती से यहाँ 200 की जगह लिख दिया है गलत, कि यहाँ 300 होगा, तो ये दोनों को प्लस करना है। सेम वे आप बोलोगे सर ये 100 प्लस ये 100 हो जाएगा 200 और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो फाइनली कितना होगा, 100 प्लस 200 तो फाइनली हो जाएगा 300, ये होगा 500 बच्चों। सिंपली यहाँ पे भी 300 200 होगा तो 500 ही होगा, क्लियर हुआ बच्चों। सेम भी अभी आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर कैसे अभी यहाँ नीचे कैसे करेंगे, तो देखो नीचे में देखना है 2015 है, तो पहले 300 यहाँ है और यहाँ पे कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 150 है, तो मिलाओगे तो टोटल हो जाएगा 450। बच्चों यहाँ पे है 400, यहाँ पे है 300 तो हो जाएगा 500, तो आप बोलोगे सर 300 और ये 500 तो ये 800 हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट हम क्लियर करते जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ और उसके साथ यहाँ पे 400 है बच्चों और यहाँ पे 300 है, सबसे पहले आपको वो देखना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 700 होगा, तो इसके साथ आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1000, पहला स्टेप क्लियर। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे टोटल हमें पता है कि यहाँ 150 है और यहाँ पे 300, तो ये हो जाएगा 450। 450 और 1000 में से माइनस करोगे, 1000 में से 450 माइनस करोगे तो बच्चा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1000 में से 450 माइनस करेंगे तो 550 होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 550, उसमें से 400 माइनस करोगे तो 150 ए में आएगा। बस बच्चों यही ध्यान में रखना है, ये शांति से पॉइंट आप अपने नोट में लिख दीजिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, आगे जाके बहुत काम में आएगा, तो अभी दूसरा सम आगे देखना शुरू करते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं सम नंबर आगे, तो ये सब में इंफॉर्मेशन है, डिमांड फॉर अ सर्टन आइटम इज क्लासिफाइड एज अ गुड, मॉडरेट एंड वीक। तो आगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी फॉर द एंटायर ईयर इट नो दैट द डिमांड वॉज मॉडरेट ड्यूरिंग 22 वीक्स, वेयर द डिमांड वॉज वीक ड्यूरिंग द 18 वीक एंड द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन टेबुलेशन फॉर्म। तो आप बोलोगे सर यहाँ एट्रीब्यूट जो है डिमांड ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट, तो एट्रीब्यूट लिख दोगे और आप क्या लिखोगे, टेबल शोइंग डिमांड ऑफ अ सर्टन आइटम ऑफ बच्चों डैश वीक इन द ईयर। तो आप बोलोगे सर ये डैश वीक मतलब आपको वो पता होना चाहिए बच्चों, ये मेन जो सम का मेन पॉइंट है वो पता होना चाहिए कि ईयर में कितने वीक होते हैं। तो आपके माइंड में इमीडिएटली आंसर आना चाहिए सर 52, कितना आना चाहिए बच्चों 52 वीक्स होता है, तो सीधा आप टोटल में लिखोगे सर यहाँ पे 52 वीक्स, जिसमें बोला गया है कि गुड जो होता है वो 12 है, उसके बाद वीक जो बोला गया है 18 है, तो ये क्वेश्चन मार्क इन दोनों में से ये माइनस करोगे बच्चों तो हो जाएगा 22 वीक्स। जिन बच्चों को ये स्ट्राइक हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों बस यही पॉइंट थे जो आपको फोकस करने थे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। बच्चों मिलेंगे नए एक टॉपिक में,
फिर से लेवल 3 में, जिसमें सम और एक लेवल ऊपर आएगा, वो ध्यान से आपको समझना है।